Hello everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu. And the series of differentiation of rubrics is for young homeopath doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today we will discuss what is objective reasonable and what is reason power increased. First, we will see what is objective reasonable. And then we'll discuss what is reason power increased. What is the meaning of objective? Objective is a goal of one's effort or action based on the facts. Emotions are not involved in it. Objective means we are trying to achieve by particular course of action. Emotions are not involved in it. Here the person seems right to you from all angles. Reasonable means agreeable. Earlier we have discussed what is objective. Objective is patient's goal. And what is reasonable? जब patient बात करेगा तो objective reasonable वाला patient जब आपके सामने अपनी बात रखेगा तो आप बिल्कुल उस patient के साथ एग्री करेंगे. आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि वो किसी तरह की भी कोई फालतू बात कर रहा है और आपकी गर्दन भी उसके साथ ऐसे ऐसे हाँ में हिलेगी कि हाँ भाई बात तो ये बिल्कुल ही ठीक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं अपने बाजू वाले डॉक्टर साहब से ठीक हो जाता हूँ तो मैं दूर क्यों जाऊँ, किसी और सिटी में मेडिसिन लेने क्यों जाऊँ. ये बात उसका ऑब्जेक्टिव है ठीक होना, तंदुरुस्त होना. और उसने आपको रीजन क्या दिया है कि साथ वाला डॉक्टर ही तो मुझे ठीक कर देता है. सेकंड एग्जांपल इज डॉक्टर साहब जब मैं होम्योपैथी से ठीक हो जाता हूँ तो मैं क्यों अंग्रेजी दवाई लूँ, अंग्रेजी दवाई वाले इतनी इतनी दवाई दे देते हैं, आप थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं मैं 3 पुड़ियाँ लेके ठीक हो जाता हूँ. दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. डॉक्टर साहब जब मेरा बेटा शहर के महंगे स्कूल में पढ़ता है, वहाँ इतने अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो मैं फालतू की ट्यूशन अपने बच्चे की क्यों रखूँ. दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. जैसे कोई भी लेडी आपको आके कह सकती है कि डॉक्टर साहब हमारा एक ही बच्चा है, मैं दूसरा बच्चा क्यों पैदा करूँ, मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं, आजकल तो महंगाई का ज़माना है, तो एक ही बच्चे का पालन पोषण, उसकी एजुकेशन बहुत मुश्किल से होती है, घर वाले दूसरे बच्चे का दबाव डाल रहे हैं. लेकिन वो आपको ऐसे ऐसे रीजंस देगी कि उसे दूसरा बच्चा क्यों नहीं करना है और आप उस सब चीज़ों के साथ एग्री करेंगे. दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल. एंड नाउ व्हाट इज रीजन पावर इंक्रीज्ड. When the patient has power increased to put his understanding in front of you. आसान भाषा में यहाँ पर्सन आपके सामने ऐसे बात रखेगा कि आप उसकी बात से एग्री हो या आप उसकी बात से एग्री नहीं हो, लेकिन वो आपके ऊपर वो बात थोपने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ उसकी रीज़न देने की क्षमता बहुत ज़्यादा पावरफुल है. यहाँ उसके रीज़न देने की क्षमता बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, बढ़ी हुई है. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बात के साथ एग्री करें. जबरदस्ती आपको कन्विंस करने की कोशिश या आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी बात थोपने की कोशिश वो करेगा. यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता. जैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में पेशेंट का एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा. बस आपको लगेगा कि कोई सिर पैर की बात है नहीं, ये मेरे ऊपर थोप रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपके अपने पेशेंट की एक बात आपसे एग्जाम्पल के रूप में करना चाहूँगी. एक बच्चा था जिसकी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की मेडिसिन चल रही थी. वो बच्चे की हम बहुत जल्दी जल्दी फॉलोअप्स ले रहे थे और वो बच्चा ठीक भी था. लेकिन मैंने उसके मदर को बोला था कि आप 3 दिन बाद इसका फॉलोअप दे के जाना. जब वो नहीं आए, वो अपना वैसे ही अपनी रूटीन की मेडिसिन एक हफ्ते बाद ख़त्म करने के बाद ही मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तो आपको 3rd डे बुलाया था. तो उसने इसका आंसर देने की बजाय मुझे बोला कि
कि मैडम ये ठीक था, तो मैंने कहा आपको फॉलोअप तो देना ही चाहिए था ना, वो मेरे हस्बैंड की ब्रियाट्रिक सर्जरी हुई थी, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे, तो आपको पता ही है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने कहा तो आप इसके कज़न के साथ भेज देते। नहीं नहीं मैडम, वो इसका कज़न है ना जो, वो तो ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो मैं उसके साथ नहीं भेज सकती थी। तो मैंने कहा ये क्लिनिक के सामने वाली गली में तो रहता है। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे नहीं भेज सकती थी, मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, मतलब मुझे आपको ही, मतलब सामने वाले पर, वो इतना रीजंस देते हैं पेशेंट कि आपको ही चुप करना पड़ता है। और एक बात जो कॉशन वर्ड है यहाँ, हमारी रेपर्ट्री में जितने भी रूब्रिक्स हैं वो सारे मॉर्बिड रूब्रिक्स हैं, हमने वो पेशेंट की मॉर्बिड कंडीशन में लेने हैं, ऐसे ही नहीं कि पेशेंट जब हमसे बात कर रहा है तभी हमने उसे अप्लाई करना है। आई थिंक नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर वेरी क्लियर टू यू, यू एंड यू कैन अप्लाई बोथ दिस रूब्रिक्स इन योर प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन।